यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश के कसौली में महिला अधिकारी की हत्या पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद है। ठाकुर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि एक महिला अधिकारी अवैध निर्माण करवाने वहां पे जाती है, जो होटल मालिक है अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर देता है, इस घटना पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, सबको इस बात का दुख है और सचमुच में आहत है हम सब लोग, और घटना नहीं घटित होनी चाहिए थी, घटित हो गई। सचमुच में हिमाचल के लिए ये बहुत जो है वो दुख की बात है, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हमारी सरकार हमेशा प्रयत्न करती रही है, ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब आए तो उसका पालन करने की दृष्टि से कार्यवाही हो रही थी। जो कसौली के क्षेत्र में जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, 14 बिल्डिंग्स है उसमें, और 14 बिल्डिंग्स के को उनका जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने की बात चल रही थी वहाँ पर, और कार्रवाई के लिए जब वहाँ पर हमारे पुलिस बल अधिकारी और सब लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो कार्रवाई हो रही थी, और उस बीच में ये घटना घटित हुई जिसमें एक व्यक्ति घायल है और एक दूसरे जो महिला जो है अधिकारी जो है इसकी दुखद मृत्यु। आरोपी अब तक फरार है, जो पुलिस जांच है कहाँ तक पहुँचे, गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, सरकार कितने कड़े प्रयास कर रही है? हम बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, और पुलिस की टीम जो है वो अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हुई है, और पुलिस फोर्स भी हमने वहाँ पर बढ़ाई है, और इस बीच में डिविजनल कमिश्नर शिमला को हमने जांच के आदेश इस तरह घटना के दिए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी घटना की पूरी जांच होने के बाद हमको रिपोर्ट आ जाएगी। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सत्य संज्ञान पूरे मामले के ऊपर दिया, कल जवाब भी दाखिलात लोगों की तरफ से किया जाना है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है, और हिमाचल प्रदेश की ओर से हमने स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर कल दायर है। बिल्कुल, इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कल एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दाखिल की जाएगी। कैमरामैन जीतू के साथ अनिल मोर, खबर अभी तक दिल्ली।